आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। भाजपा नेता जोगिंदर यादव ने पाथरडीह लोको बाजार में असहाय मजबूर गरीबों के बीच लगभग 100 लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया एवं लोको बाजार के सामाजिक कार्यकर्ता सोमदत्त बरोटा एवं राजू वर्मा और अन्य कार्यकर्ताओं ने जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आज तक जो गरीबों के बीच जो कार्य किया है वो सराहनीय है। उनके कार्यों की लोगों ने खूब सराहना की। आरपी भारत ब्यूरो रिपोर्ट। आज जो है यहाँ के हमारे सभी बीजेपी के सूचना दिया था कि यहाँ पर बहुत परिवार ऐसे गरीब परिवार रहते हैं कि जो आज कोरोना के चलते उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा और खाने की दिक्कत हो रहा है। यहाँ के हमारे पार्टी के बीजेपी जो हमारे वरिष्ठ यहाँ नेता हैं कार्यकर्ता हैं सूचना दिया था उसी के तहत हमारे सोमदत्त बरोटा साहब है वो सूचना दिए थे और उसी के तहत आज हम यहाँ पर कच्चा अनाज लेकर आए हैं। जनता के गरीब जनता के दूसरे बात में काम कर रहे हैं। लॉकडाउन ऑन चल रहा है और इसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे गरीब आदमी है जिसको अभी तक मदद नहीं पहुंच पाएगा, इस पर आपके क्या प्रतिक्रिया है? आप लॉकडाउन ऑन चल रहा है सभी लोग जानते हैं, आप देखे हुए पूरे झरिया विधानसभा में जितना बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके सहयोग करने काम किया है उतना कोई भी पार्टी अभी तक नहीं लगता है कि झरिया विधानसभा में किया होगा। लॉकडाउन में आजादी मिली है हमारे जो गरीब परिवार के लोग है पूरा जानकारी नहीं हो पाता है, समझ नहीं पा रहा है, इसका कारण है थोड़ा सा। और हम लोग जहाँ भी जाते हैं उसको समझाने काम करते हैं कि लॉकडाउन तभी हमारे कोरोना को मार दे सकते हैं, दूरी बना के रखना है तभी हम उसको मार दे सकते हैं।